आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग भी जो है जी, माशाल्लाह। ये बता दीजिए कि आप लोग, अभी मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, आप लोग किसी वक्त को टाइम मतलब के बेस्ट नहीं आने देती। इस दौरान आप लोग आपस में तारुफ कर रही थी। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइए, हमारी पिछले क्लास नहीं हो पाई थी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, कनेक्ट नहीं हो रही थी ना, तो हम कहाँ चल रहे थे ये बताइए। बस चालू करने ही वाले थे, हुआ नहीं था स्टार्ट। अच्छा अच्छा तो ये बताइए, सूरते तकरीबन हमारी 8 हो गई ना? हाँ जी। तो 8 सूरतों में से पहली सूरत सूरह फातिहा थी, फिर दूसरी सूरह फील थी, फिर तीसरी जो है सूरह कौसर थी, तो और फिर सूरह काफिरून, सूरह लहब, सूरह इखलास और मुआवज़तें। 8 सूरतें हो गई थी ना? मुआवज़तें। अच्छा, हमारे हमारे इस कोर्स में 10 सूरतें शामिल, तो सूरतें हमारी बहुत हो गई, 2 बाकी, 2 या 3 बाकी। तो हम आपको दुआ और सुन्नत में चलते हैं। म्यूट कर दीजिए सबको, आवाज नहीं आ रही कुछ। अच्छा आप खामोश हो जाइए। देखिए मैं आपसे मैंने कितनी मरतबा समझाया है कि आप लोग जो है इस बात का ख्याल रखा करें, लेकिन आप बिल्कुल इस बात का ख्याल नहीं करते। तो मैं ये कह रहा था कि दुआ और सुन्नत में चल रहे थे हम। वुजू से पहले की दुआ क्या आए थी? अभी इस्तंजे की सुन्नतें आई थी, बैतुल खला की सुन्नतें आई थी ना? जी जी। आज हम वुजू से पहले की दुआ बताते हैं। यानी दुआ ये है कि हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अनु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से वुजू शुरू करता हूँ, पढ़ते हुए वुजू करा। यानी कि हजरत अनस सहाबी रसूल ये जिक्र कर रहे हैं, ये बयान फरमा रहे हैं कि प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वुजू जब फरमाया तो बिस्मिल्लाह पढ़कर फरमाया, तो पता चला कि वुजू करते वक्त जो दुआ पढ़नी है वो बिस्मिल्लाह पढ़नी है। यही वुजू से पहले की दुआ है, और इसके माने हैं कि मैं अल्लाह के नाम से वुजू शुरू करती हूं या करता हूं। वुजू के दरमियान की दुआ, क्योंकि वुजू के दरमियान ये तो शुरू होगी वुजू के दरमियान। हजरत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। यानी अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला ने फरमा रहा है कि मैं अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे थे, मैंने हजरत अबू मूसा आशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान वुजू यानी वुजू करते हुए बीच में ये दुआ पढ़ते हुए सुना, अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़म्बी ववस्सिली फी दारी वबारिकली फी रिज़्क़ी। ये दुआ इसको 3 हिस्सों में बांट लीजिएगा, अल्लाहुम्मा ग़फिरली ज़म्बी ववस्सिली फी दारी वबारिकली फी रिज़्क़ी। तर्जुमा है, ए अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दीजिए और मेरा घर कुशादा कर दीजिए और मेरी रोजी में बरकत अता फरमाइए। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्द किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने आपको फला फला दुआ पढ़ते हुए, यानी फला फला से मुराद यही दुआ अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी और कहा, पढ़ते हुए सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या हमने इस दुआ के कलिमात में से मांगने में कोई चीज छोड़ दी है? यानी अल्लाह के रसूल ये कहकर ये फरमाया कि बेहतरीन दुआ है, इसमें सब चीजें आ गई,
दुनिया आ गई, आखरत आ गई, तमाम जरूरतें आ गई। क्यों? इसलिए कि इस दुआ में दुनिया और आखरत की हर किस्म की खैर और भलाई को तलब किया गया है, मांगा गया है। वो कौन कौन सी? आखरत में मगफिरत हो जाए और दुनिया में मकान की कुशादगी मयसर आ जाए और रिस्क में बरकत हो, तंगी ना हो, तो गोया दुनिया आखरत की राहतें, आसानियां और सहूलतें और सुकून हासिल हो जाए। लेकिन इसमें एक चीज पॉइंटेड है, अल्लाह के रसूल ने दुआ गुजू करते हुए दुआ क्या मानी मांगी? अल्लाहुम्मा गफिरली जंबी, ए अल्लाह मेरे मुझे बख्श दीजिए, मेरे गुनाह बख्श दीजिए। और दूसरी थी वसी अली फी दारी, और मेरे घर कुशादा कर दीजिए। गोया के अल्लाह के रसूल ने बड़ा घर नहीं मांगा, घर घर की अंदर की सहूलतें, आसाइशें और बहुत ज्यादा सहूलत की चीज और सुविधाएं नहीं मांगी, बल्कि घर को कुशादा मांगा। कुशादा घर वो होता है जिस घर के लोग आपस में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखते हो, एक दूसरे का लिहाज हो, एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने का जज्बा हो, उस घर को कुशादा घर कहते हैं। दिल में कुशादगी। वरना तो हमने कितने घर ऐसे देखे हैं जिसमें राहतें हैं, आसाइशें हैं, सब तरह की सुविधाएं, टाइल है, संगमरमर है, सोफे हैं, एलईडी है और एसी है, पंखे हैं, सब कुछ है। लेकिन घर वाले आपस में एक दूसरे से दूर है, एक दूसरे की कोई फिक्र नहीं, एक दूसरे के दुख दर्द में कोई शरीक नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं मुझे मेरे घर में कुशादा, मेरा घर कुशादा कर दीजिए। दूसरा ये कि आपने घर कहा, घर और मकान दो फर्क है। घर उसे कहते हैं जहां मोहब्बतें हैं, एक दूसरे का दुख हो। मकान उसे कहते हैं जिसमें एक दूसरे से कोई ताल्लुक ही ना हो। आपने यही वजह सुना होगा कितनी मर्तबा लोगों से इंतकाल के मौके पर लोग कहते हैं अरे भाई कब्रिस्तान फोन करो, मकान तैयार हुआ या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मकान कब्रिस्तान की वो कब्र जिसमें एक दूसरे से बेगाना होते हैं, एक दूसरे की किसी को फिक्र ही नहीं। तो मकान वो, आज मकान घर खत्म होते जा रहे हैं। हमें घर बनाना है अपनी अपनी मेहनत से, अपनी जिद्दोजहद से, अपनी कोशिशों से। तो बहरहाल ये तो वुजू के दरमियान की दुआ थी। अब वुजू के बाद की दुआ, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने वुजू किया और आदाब व सुनन की रियायत के साथ वुजू किया, अच्छी तरह वुजू किया, जो सुन्नतें आपके सामने आई हैं वुजू की, वो उनके साथ अच्छी तरीके से वुजू किया, फिर ये दुआ पढ़ी, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाजे खोल दिए जाते, वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी कि अल्लाह के रसूल ये फरमा रहे हैं कि जो अपना जिंदगी का ये मामूल बना ले कि वुजू कर, जब जब वुजू करे और वुजू के बाद ये दुआ पढ़े, तो अल्लाह तबारक व ताला आखिरत में उसको ये गिफ्ट देगा, ये एजाज देगा, ये हक हासिल होगा, ये अथॉरिटी उसको मिलेगी कि जन्नतें आठ हैं और उनके आठों ही दरवाजे हैं, वो जिस दरवाजे से चाहेगा चाहे वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। दुआ क्या है? दुआ तो बहुत आसान है, आदि आपको याद है, आदा तो मैं तो दो कलमा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये तो दूसरा कलमा जो कि आपको याद हुआ है। दुआ ये है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। तिर्मिजी शरीफ में है ये दुआ, इसका तर्जमा है मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, कोई उसका शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ए अल्लाह मुझे तोबा करने वाले में से कर दीजिए और मुझे पाक साफ लोगों में से कर दीजिएगा।
ये जो है दुआ सुन्नत में थी, वुजू के की दुआ, वुजू से पहले पढ़ने की दुआ आपको बताई बिस्मिल्लाह, वुजू के दरमियान की दुआ, वुजू के आखिर वुजू करने के बाद की दुआ, ये तीन दुआएं आपके सामने आई। अब हम अकायद में आते हैं। ईमान मुफस्सल चल रहा था, आमंतु बिल्लाही, मैं ईमान लाई अल्लाह की जात पर। तो अल्लाह की जात और सिफात से मुतालिक तौहीद के सबक में आपके आपके सामने अल्लाह की जात और सिफात आ गई थी। दूसरा है वह मलाइकती ही, और उसके फरिश्तों पर। आज वो ये अल्लाह के फरिश्ते, फरिश्ते के उन्वान से अकायद का सबक होगा। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक और उसके मुअज्जज बंदे हैं, वो गुनाहों से पाक हैं, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहते हैं। जिन कामों पर अल्लाह ने उनको लगा दिया है उन्हीं में लगे रहते हैं, कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। कुरान में है सूरह तहरीम आयत नंबर 6 में, फरिश्ते अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और वही करते हैं, वयफालूना मा युमरून, और वही करते हैं जिसका उन्हें हुक्म दिया जाता है। फरिश्ते न मर्द हैं ना औरत, खाने पीने के मोहताज नहीं, उनकी गिजा अपने रब की इबादत और बंदगी करना, यानी उनका खान पाना खाना पीना, और उनकी इसको गिजा कहते हैं, उनकी गिजा अपने रब की इबादत और बंदगी करना और उसके आदेश को उसके आहकाम को बजा लाना यानी अमल करना है। वो इबादत से उकताते नहीं है, वो इबादत से तकबर और शर्म नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको शक्ल बदलने की ताकत दे रखी है, मैंने बताया ना अल्लाह ताला ये हो गया। उन बेशुमार मखलूकों में से एक खाकी मखलूक है जो इंसान है, एक नारी मखलूक है जिसमें शैतान जिन्नात वगैरह आते हैं, एक नूरी मखलूक है जिसमें फरिश्ते आते हैं। तो अल्लाह ताला ने इन फरिश्तों को यानी नूरानी मखलूक को और नारी मखलूक जिन्नात और शयातीन को ये ताकत दे रखी है, ये शक्ति दे रखी है कि वो जिस चीज का रूप इख्तियार करना चाहे, जिस चीज की शक्ल सूरत बनाना चाहे वो बना सकते हैं, जिस चीज का रूप धारण करना चाहे तो कर सकते। तो फरिश्तों को भी अल्लाह ताला ने ये ताकत दे रखी है कि उनको शक्लें बदलने की ताकत दे रखी है, कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं और कभी दूसरी शक्ल में। लिहाजा इस अकीदे से ये पता चला कि जो सीरियल देखकर, नाटक देखकर, मूवीज देखकर हमारे जहन में ये बात इतनी पुख्तगी के साथ रच बस गई है कि हम ये समझते हैं कि इच्छाधारी नागिन, इनका कोई तसव्वुर नहीं, ये ख्याली और कहानी की बात है। ऐसा कोई भी अल्लाह ताला ने किसी जो मखलूक है सांप, इसको इतनी ताकत और कुव्वत नहीं दी कि वो इंसान के रूप में आ जाए। क्यों? क्योंकि सांप जो है ना तो नारी मखलूक है और ना ही जो है नूरी मखलूक है। ये ताकत अल्लाह ने नूरी और नारी मखलूक को दी है, वो जिसका रूप चाहे इख्तियार कर सकते। इसी तरीके से हम लोगों का मिजाज बना हुआ है, आबे हयात यानी अमृत जल, अमृत जल ऐसा पानी हमने सोच रखा है कि दुनिया में कि जिसको कोई पी ले उसको मौत नहीं आई, बिल्कुल गलत कहानियां ही ड्रामाई की बातें हैं। वरना तो कुरान करीम तो ये ऐलान कर रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है, और हम इसके बरखिलाफ ये अकीदा रखते हैं कि कोई अमृत जल है, कोई आबे हयात है, ऐसा कोई भी नहीं है। तो बहरहाल मैं कह रहा था कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को शक्लें बदलने की ताकत दे रखी है, कभी वो इंसान की शक्ल में जाहिर होते हैं कभी दूसरी शक्ल में। आसमानों और जमीनों के सारे इंतजाम अल्लाह ने उनके सुपुर्द किए, फरिश्ते बेशुमार हैं, उनकी तादाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। कुरान में है सूरह मुद्दसर आयत नंबर 31 में,
और तुम्हारे परवरदिगार के लश्करों यानी फरिश्तों को उसके अलावा कोई नहीं जानता। उनमें चार फरिश्ते बहुत मशहूर हैं और मुकर्रब हैं यानी अल्लाह के करीबी हैं, हजरत जिब्रील अलैहि सलाम नंबर एक, नंबर दो हजरत मीकाइल अलैहि सलाम, नंबर तीन हजरत इसराफील अलैहि सलाम, नंबर चार हजरत इजराइल अलैहि सलाम। अब हजरत जिब्रील अलैहि सलाम अल्लाह के अहकाम संदेश पैगाम किताबें रसूलों के पास लाते थे, इनका ये काम था। हजरत मीकाइल अलैहि सलाम अल्लाह की तमाम मखलूकों को रोजी पहुंचाने और बारिश वगैरह के इंतजाम पर मुकर्रर हैं, उनके अंडर में उनकी मातहती में बेशुमार फरिश्ते काम करते हैं, बाद बादलों के इंतजाम पर मुकर्रर हैं। हम देखते नहीं काली घटा आती है और वो फिर चलती है और इधर आई उधर चली गई, इन उन पर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। बाद हवाओं पर बिजली और कड़क बाज फरिश्ते बिजली और कड़क वगैरह पर, और बाज फरिश्ते दरियाओं तालाबों और नहरों वगैरह पर मुकर्रर हैं। वो तमाम चीजों का इंतजाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करते हैं। नंबर तीन हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम कयामत के दिन सूर फूकेंगे। नंबर चार हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जिनको यमदूत या मलकुल मौत कहते, मलक कहते हैं फरिश्ते को, एक फरिश्ता हो तो मलक और बहुत सारे हो तो मलाइका, तो मलकुल मौत किसको कहते हैं, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। क्यों कहते हैं, क्योंकि मखलूक की रूह कब्ज करने के काम पर ये मुकर्रर हैं, इनके अंडर में भी बेशुमार फरिश्ते। मोमिन बंदों की जान निकालने वाले फरिश्ते अलग होते हैं और काफिर बंदों की जान निकालने वाले फरिश्ते अलग होते हैं। इन चार मशहूर फरिश्तों के अलावा और फरिश्तों का भी जिक्र कुरान और हदीस में किया गया है, जिनमें से चंद फरिश्तों के नाम और काम में जिक्र कर देता हूं। चार फरिश्ते जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं, ये हमारे कांधों पर किरामन कातिबीन, जिनमें से दो दिन में और दो रात में हर एक बंदे के साथ, चाहे मोमिन हो चाहे गैर मोमिन हो, हर एक बंदे के साथ होते। एक दाही कंधे पर जो उसकी नेकी लिखता है और दूसरा लेफ्ट कंधे पर बाएं शोल्डर पर जो उसकी बुराई लिखता है। ये जो है किरामन एक कातिबीन, ये नहीं, दोनों का नाम मिलाकर किरामन कातिबीन है। ये चार फरिश्ते दो रात के दो दिन के, फजर की नमाज और असर की नमाज में दोनों फरिश्तों का इस्तेमा होता है, जमा होते हैं। फजर की नमाज में रात वाले फरिश्ते मौजूद होते ही हैं, दिन वाले फरिश्ते आते हैं और दोनों बंदे के और बंदी के साथ नमाज में शरीक होते हैं। क्योंकि नमाज के बाद रात भर जो फरिश्ते बंदे या बंदी के साथ रहे थे वो आसमान की तरफ जाते हैं और जो आए थे वो रहते हैं पूरे दिन। फिर जब असर की नमाज होती है, असर की नमाज में रात वाले आते हैं, दिन वालों का जाने का टाइम होता है, लेकिन वो बंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं अगर बंदी नमाज की पाबंद है। और न सिर्फ ये नमाज पढ़ते हैं बल्कि अल्लाह के हुजूर में ये कहते हैं, ए अल्लाह तेरे ये बंदी, तेरा ये बंदा इतना मुकर्रब है, इतना महबूब है कि जब हम गए थे जब भी नमाज पढ़ रहे थे, जब हम इसको छोड़कर आए जब भी नमाज पढ़ रहे। तो बहरहाल ये चार फरिश्ते हैं। कुछ फरिश्ते आफतों और बलाओं से इंसानों की हिफाजत करते हैं और ये उन इंसानों की हिफाजत करने पर अल्लाह ताला ने इनको लगा रखा है, मुकर्रर कर रखा है, जो आगे पीछे से इसकी इंसान की हिफाजत करते हैं, जिनको हफ्जा कहते हैं। हम कहते हैं जरा जरा अल्लाह ने खैर कर दी, बच जाती आप। तो ये अल्लाह ने जो फरिश्ते हमारी हिफाजत के लिए आगे पीछे से जो हमारी हिफाजत करते हैं मुकर्रर कर रखे हैं, इनको हफ्जा फरिश्ते कहते हैं। कुछ फरिश्ते इंसान के मर जाने के बाद कब्र में, यानी अगर उसका बदन सही है वो कब्र में, अगर दफनाया गया तो कब्र में, वरना जिस हालत में भी है उस हालत में उसके पास सवाल करने के लिए
दो फरिश्ते आते हैं और इनको इस काम पर अल्लाह ने लगा रखा है जिनको मुनकर नकीर कहते हैं। अल्लाह ताला के तमाम फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है, जो उनका इनकार करे वो मोमिन नहीं हो सकता। तो वमलाइकती ही और उसके फरिश्तों, फिर आगे वकुतुबी ही और उसकी किताबों पर, और मैं ईमान लाई उसकी किताब पर, कुतुब बहुत सारी किताबों को कुतुब कहते हैं, जैसे बुक्स को कहते हैं, एक हो तो किताब बुक और बहुत सारी हो तो कुतुब कहते हैं, वकुतुबी ही और उसकी तमाम किताबों पर। अल्लाह ताला ने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें हज़रत जिब्रील अलैहि सलाम के जरिए से बहुत से पैगंबरों पर उतारी, ताकि वो अपनी अपनी उम्मतों को दीन की बातें बतलाएं, छोटी किताबों को सहीफे और बड़ी किताबों को किताब कहते हैं। अल्लाह ताला की भेजी हुई किताबों में से चार किताबें मशहूर हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नादिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, कुरान करीम की सूरह निसा की आयत नंबर 163 में है, वआतैना दाऊद ज़बूरा, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को जबूर दी। इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल हुई, सूरह हदीद में है आयत नंबर 27 में, के अल्लाह वआतैना हुल इंजील, कि अल्लाह ताला हमने ईसा इब्ने मरियम को इंजील अता की। कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल हुआ। इन चार किताबों के अलावा कुछ सहीफे यानी छोटी किताबें हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर, कुछ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर, कुछ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, कुछ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर और कुछ दूसरे पैगंबरों पर नादिल हुए। तमाम आसमानी किताबों के बारे में मुसलमानों को यह अकीदा रखना चाहिए, तीन तरह के। पहला अकीदा, तमाम आसमानी किताबें इंसानों की रहनुमाई के लिए नादिल हुई हैं, उन सब में हिदायत की बातें हैं, वाज और नसीहत से भरे मजामीन हैं। अम्र नहीं, अम्र कहते हैं किसी चीज की भलाई का हुक्म देने को अम्र कहते हैं, नहीं कहते हैं किसी चीज से, किसी बुरी चीज से रोकने को। और ये इस उम्मत की खासियत है कि इस उम्मत को दो काम का मिशन दिया गया, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, के भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको, और इनकी दर्जे भी बता दिए। अगर हाथ से रोकने की ताकत और कुव्वत है बुराई की तो हाथ से रोके, जैसे माएं अपने बच्चों को। अगर हाथ से नहीं रोक सकती, जैसे कोई बड़ा है, देवरानी है या ननंद है, तो उसको जबान से को, जबान से बुराई कहने पर भी क्या है शर का और फितने का डर हो तो दिल से बुरा सुनमन जाओ। और फरमाया वज़ाली का अज़ाफुल ईमान, और ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है, सबसे वीकनेस। तो इसी तरीके से तो अम्र बिल मारूफ और नहीं मन मुनकर, तो नहीं अनिल मुनकर कहते हैं बुराइयों से रोकना, मुनकर बुरी बातों को। तो तमाम आसमानी किताबों में वाजो नसीहत और हिदायत की बातें थी, अम्र और नहीं और जन्नत के इनामात और जहन्नम और दोजख की सजाओं पर मुश्तमिल बातें हैं, और अपने अपने जमाने में उनके अहकामात पर अमल करने में बंदों की नजात होती है। कुरान मजीद नादिल होने के बाद पिछली तमाम किताबें और तमाम नबियों की शरीयत और तमाम नबियों का कानून सब मनसूख हो गया, नाकाबिले अमल हो गया। अब कयामत तक सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पर ही अमल करने में बंदों की नजात है। दूसरा अकीदा, पिछली आसमानी किताबों में से बहुत सी किताबें तो आज मौजूद ही नहीं, और जो किताबें मौजूद हैं उनमें से कोई किताब अपनी असली अल्फाज और मानी के साथ महफूज नहीं, उनमें अल्लाह ताला के कलाम के साथ इंसानों का कलाम भी शामिल हो गया, इंसानों की बातें भी शामिल हो गई। गुमराह लोगों ने उनमें बहुत सी बातें अपनी तरफ से मिला दी और बहुत सारी बातों को बदल दिया,
ये कोशिश इस उम्मत के में भी की जा रही है बदकिस्मती से, लेकिन वो कामयाब नहीं होती क्योंकि इस उम्मत को अल्लाह ताला ने कयामत तक बाकी रखना है और उलमा को नबियों का वारिस बताया है। चुनाचे अपनी तरफ से बात, जैसे कि व्हाट्सएप पे एक मैसेज चलता है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि रमजान मुबारक का महीना आने वाला है कि रमजान मुबारक की सबसे पहले जो मुबारकबाद किसी को देगा उस पर दोजा हराम हो जाएगी, जन्नत वाजिब हो जाएगी, कोई हदीस नहीं है, सिर्फ बिल्कुल मन घड़त है बनाई हुई अपनी तरफ से हदीसों में दखल अंदाजी। वो तो अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह के जो बंदे हैं उलमा हैं वो रातों दिन को अपना एक करते हैं और जब कभी ऐसी बात आती है तो उसको उसका दिफा करते हैं और कहते हैं उसके के ये चीज हदीस नहीं, ये चीज कुरान में नहीं, ये चीज अपनी तरफ से। तो तमाम इंसानों और जो किताबें थीं अल्लाह ताला के कलाम के साथ और लोगों ने अपनी अपनी बातें भी शामिल हो गई, गुमराह लोगों ने उनमें बहुत सी बातें अपनी तरफ से मिला दी और बहुत सारी बातों को बदल दिया। इसलिए पिछली तमाम किताबों की जो बातें अब कुरान के मुआफिक हों, कुरान के मुताबिक हों, वो तो सच्ची हैं, और जो कुरान करीम के खिलाफ हों, अपोजिट हों, वो झूठी हैं। और जो बातें ना कुरान के मुआफिक हों ना मुखालिफ अपोजिट हों, उनके बारे में हम खामोश रहेंगे, ना उनको सच्चा जानेंगे और ना उन्हें झुठलाएंगे। तीसरा अकीदा, अल्लाह ताला की नाजिल की हुई तमाम किताबों और सहीफों के बारे में ये ईमान रखना जरूरी है कि सब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। जो भी इन किताबों और सहीफों में से किसी का इनकार करे वो मोमिन नहीं है। हम चल रहे थे मसले मसाइल में, कहाँ चल रहे थे, नमाज से पहले सात चीजों का होना जरूरी है और नमाज की पूरी तरकीब आ गई थी ना। अब हम आते हैं नमाज के जी, यही था ना कोई? हाँ जी। अच्छा चलो अब हम आते हैं नमाज के कलिमात। सबसे पहले जब हम नमाज की सात चीजें, नमाज से पहले जो सात चीजें थी वो हमने इख्तियार कर ली, जिनको शरायत नमाज कहते हैं, जब हम खड़े होंगे तो दुपट्टे के अंदर से ही अल्लाहु अकबर कहकर हाथ को सीने पर रख लेते हैं, इसे कहते हैं तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी नमाज शुरू करते वक्त अल्लाहु अकबर कहना। अल्लाहु अकबर के माने अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन तकबीर तहरीमा को तहरीमा इसलिए कहते हैं, तहरीमा के माने हराम करने वाली। नमाज की नियत बांधने से पहले अल्लाहु अकबर कहने से पहले खाना हलाल, बात करना जायज, सोना जायज, चलना जायज, सब कुछ काम कर सकते थे, जो भी कर सकते थे, लेकिन जैसी अल्लाहु अकबर कहा अब बात करना मना हो गया, अब खाना मना, अब चलना मना, अब किसी की बात का जवाब देना मना, इसलिए इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। रुकू की तस्बीह, जब रुकू में जाते हैं, क्योंकि अब तकबीर तहरीमा कहेंगे आप तो अभी बताऊंगा, मैं सुबहाना को भी बताऊंगा कि उसके बाद सुबहाना पढ़नी होती है, लेकिन ये तस्बीह नमाज के कलमात को समझ लिया जाए। रुकू की तस्बीह, इसमें गलती लोग ये करते हैं, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, सुभान रब्बिल अजीम, रब्बिल अजीम कह देते हैं, सही तलफ्फुज नहीं करते। सही तलफ्फुज है सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम। इसके माने हैं मैं अपने अजीम, अजीम माने बड़े, मैं अपने अजीम रब की पाकी बयान करती हूं। जब हम तीन मर्तबा कहने, रुकू में कहने के बाद जब हम उठेंगे उस हालत को कौमा कहते हैं, रुकू से उठने, उठकर खड़े होने को कौमा कहते हैं, लेकिन रुकू से उठते वक्त जब हमें कहना है तो तस्मीउ कहना है, यानी रुकू से उठते हुए जो कलमात कहे जाते हैं उन कलमात को तस्मीउ कहते हैं, और वो है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इसमें भी गलती करते हैं, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, दा पे कर, दा के बाद हा की आवाज नहीं निकालते, यह हर्फ को घटाना है,
तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा, माने हैं अल्लाह ताला ने सुन ली उस शख्स की जिसने उसकी तारीफ की, यानी अल्लाह ताला ने, अल्लाह ताला सुन रहा है, देख रहा है तो कि तुम उसकी तारीफ कर रहे हो। इसे तस्मीह कहते हैं, ये कहते हुए खड़े हो जाना है। तहमीद यानी रुकू के बाद जब सीधी खड़ी हो जाए तो कहना है रब्बना लकल हम्द। रुकू से तो सीधी जब खड़े हो जाए तो खड़े खड़ी हालत में कहना है रब्बना लकल हम्द, और इसी का नाम है तहमीद। यानी रुकू के बाद सीधी खड़े हो जाए तो कहें, इसके माने क्या है, ए हमारे रब तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे, और अल्लाहु अकबर के माने आपको मालूम ही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। सजदे में जाएंगे तो सजदे की तस्बीह पढ़ना है, उसमें भी गलती करते हैं लोग, कहते हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, नहीं, ये बहुत इत्मीनान से कहना है और सही तलफ्फुज़ के साथ, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, माने हैं मैं अपने बुलंद रब की पाकी बयान करती हूं। तस्लीम यानी जब सलाम फेरते वक्त जो कहा जाता है उसे तस्लीम कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, निगाह बंदो पर होना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, इसे कहते हैं तस्लीम। अब आए सना की तरफ, सना नमाज में ही पढ़ी जाती है, तो सना बाद लोग सना सुभानक अल्लाह में पढ़ते, नहीं, सना कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो डायरेक्ट नियत बांधने के बाद आपको यहां से शुरू करना है, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यहां गलती क्या करते हैं, सुभानक अल्लाहुम्मा लाम को खींचते नहीं है, सुभानक अल्लाहुम्मा, सुभानक अल्लाहुम्मा नहीं, सुभानक अल्लाहुम्मा, और लास्ट में वला इलाह गैरुक, गैरुक नहीं, गैरुक, वला इलाह गैरुक, ये पूरा सुभाना है, इसको इसी तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना है। तर्जमा भी ये जहन में रखना है, इससे आपकी नमाज में दिल लगेगा। तर्जमा क्या है, सुभानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ बयान करते हैं, व तबारक इस्मुका और तेरा नाम बहुत बरकत वाला है, व तआला जद्दुका और तेरी बुजुर्गी बरतर है, व ला इलाह गैरुक तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये तो नमाज के अकायद व मसाइल में हो गया। अब हम आते हैं सीरत में। सीरत में हमने आपको ये बताया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कैसे हुआ, ना? आज आपको सीर अल्लाह के रसूल की सीरत में से आपको ये बताएंगे कि अमन की कोशिश और हजरे असवद का फैसला। हजरे असवद ये खाने काबा में लगा हुआ एक जन्नती पत्थर है जिसको ब्लैक स्टोन कहते हैं। हाजी जाते हैं और इसको बोसा देते हैं और इस्तीलाम करते, यानी जो लोग बोसा नहीं दे सकते वो हाथ से इशारा करके और यूं चूम लेते हैं, इसे इस्तीलाम कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो के म्यांमार खाने काबा है, म्यांमार बैतुल्लाह है, म्यांमार कहते हैं तामीर करने वाले को, घर तामीर करने वाले को म्यांमार कहते हैं। बैतुल्लाह की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की जब उन पर जन्नत से जिब्रील अलैहिस्सलाम एक पत्थर लेकर आए, जन्नत का एक पत्थर। हालांकि जन्नत की नियामत के बारे में आता है कि जन्नत की किसी भी नियामत को अल्लाह ताला आसमान से सिर्फ दिखा दे तो सारी दुनिया रोशन हो जाए, इतनी नूरानी चीज है। लेकिन ये जो पत्थर था इसकी नूरानियत को, इसकी रोशनी को खत्म करके फिर ये भेजा गया।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर खड़े होकर बैतुल्लाह की तामीर करते थे और ये पहाड़ का काम देता था, यानी जहां ऊंचे होने की जरूरत होती तो ये पत्थर खुद ब खुद ऊंचा होता, हजरत इब्राहिम भी ऊंचे हो जाते। तो एक दफा का जिक्र है, काबा और बैतुल्लाह की मरम्मत हो रही थी, पुरानी दीवारें तोड़कर बनाई जा रही थी, एक दीवार में हजरे अस्वद लगा हुआ था, ये काला पत्थर था, ये पत्थर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यादगार था, सब इसको मुतबर्रक समझते थे। जब दीवार में इस पत्थर को चुनने का वक्त आया तो आपस में मक्का के लोगों में झगड़ा होने लगा। मक्का में जितने कबीले खानदान थे, जितनी बिरादरियां थी, उसका हर शख्स ये चाहता था कि ये मुतबर्रक पत्थर मैं लगाऊं, मेरे कबीले को और मेरे खानदान को ये शर्फ हासिल था, और बिल्कुल करीब तक खून खराबा हो जाए। आखिर तय हुआ कि कल जो शख्स